अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रॉपर्टी शाइन की प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ मोहसिन। इस वीडियो में आप टूर करने जा रहे हैं 272 स्क्वायर फीट वाला 5 मरला ओल्ड कंस्ट्रक्टेड हाउस जो कि लोकेटेड है रावलपिंडी में, जिसका डिटेल टूर करेंगे। सो वीडियो मस्ट आपने एंड तक देखनी है। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। घर का खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन आपने देखा, मेन डोर सॉलिड अच्छी गेज का स्लाइडिंग डोर है, बाहर कार रम जिसपे टफ टाइल का इस्तेमाल किया गया है। ज़बरदस्त लोकेशन का घर है, पोटेंशियल लोकेशन है। घर में यूटिलिटीज सारी अवेलेबल हैं, पानी बिजली गैस तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एक्सटर्नल लॉन की स्पेस आप देख रहे हैं, सामने गैस का मीटर, स्ट्रीट इसकी आप देख सकते हैं, इजी अप्रोच है, वाइड स्ट्रीट है, गाड़ी आपकी इजीली पोर्च तक आ सकती है। स्ट्रीट का सेकंड लास्ट घर है ये, आगे आप देख सकते हैं डेड स्ट्रीट है, एंड स्ट्रीट है। चलिए अब घर के अंदर चलते हैं, घर को अंदर से डिटेल टूर करते हैं। ये घर के अंदर इंटर होते हैं, हमारे पास पोर्च एरिया जिसमें एक सेडान कार यहाँ पे इजीली पार्क हो सकती है। राइट साइड वाली स्पेस को आप लॉन बना सकते हैं, यहाँ पे आप प्लांटेशन कर सकते हैं लिविंग एरिया की एंट्रेंस पे। आप में से बहुत से लोगों की डिमांड थी 5 मरला लो बजट हाउस की, ये घर आपके लिए लेके आए हैं। 4 बेड हाउस है, एक बेडरूम इसके ग्राउंड फ्लोर पर है और 3 बेडरूम की अकोमोडेशन इसके फर्स्ट फ्लोर पर है। डिटेल टूर करेंगे, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर अभी तक आपने प्रॉपर्टी शाइन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ये लेफ्ट साइड पे वेंटिलेशन के लिए गैलरी स्पेस। चलते हैं अब लिविंग एरिया के अंदर, लिविंग एरिया को एक्सप्लोर कर लेते हैं। बड़े साइज़ की वेंटिलेशन विंडो आप देख रहे हैं, अंडरग्राउंड बड़े साइज़ का वाटर टैंक अवेलेबल है, सप्लाई के पानी का कनेक्शन है, गैस अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर इंस्टॉल्ड है, तीनों यूटिलिटीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। लिविंग एरिया की मेन एंट्रेंस डबल डोर है, एक मेटल का और एक सॉलिड वुड का। इंटर होते हैं ये बड़े साइज़ का टीवी लाउंज एरिया, अच्छी खासी स्पेस है, इस जगह को आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर यहाँ पे आप बेडरूम बनाना चाहते हैं। खूबसूरत हैंगिंग लाइट्स, सामने फानूस, फ्लोरिंग आप देख रहे हैं मल्टी कलर्स में टाइल्स के साथ फ्लोरिंग की गई है, सामने ग्लास का टेम्परेरी यहाँ पर किचन, थ्रू स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस, बड़े साइज़ की वेंटिलेशन विंडो, ये गैलरी से एक्सेस है। सामने रूम की वेंटिलेशन के लिए विंडो। अब चलते हैं इसके बेडरूम्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। घर की लोकेशन में आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, डिफेंस रोड रावलपिंडी में का लोकेटेड है, ख्वाजा कॉरपोरेशन चौक के बिल्कुल नज़दीक है। जीटी रोड से हार्डली इस घर को आप 7 से 8 मिनट की ड्राइव में एक्सेस कर सकते हैं। पोटेंशियल लोकेशन है, सदर घर के बिल्कुल नज़दीक है, सेफ मार्ट कमर्शियल घर के बिल्कुल नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पर। ये खूबसूरत मीडिया वाला आप देख रहे हैं, राइट साइड पे वॉशरूम और लेफ्ट साइड पे एक बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर पे टोटली एक ही बेडरूम है, स्टैंडर्ड साइज़ का बेडरूम है, फ्लोरिंग टाइल्स के साथ की गई और ये वेंटिलेशन के लिए, रूम की और वॉशरूम की वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे गैलरी स्पेस ओपन है। छत पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वेंटिलेशन के लिए गैलरी स्पेस। इसके साथ ही आगे चलें, बिल्कुल सामने किचन है, थोड़ा डबल एंट्रेंस के साथ, राइट साइड पे वेंटिलेशन विंडो, काउंटर पे सिंक, 5 बर्नर कुकिंग रेंज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस साइड पे कुछ कैबिनेट्स हैं, काउंटर आप देख रहे हैं मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, फ्लोरिंग किचन में भी टाइल्स के साथ ही की गई है। किचन से एग्जिट होते हैं लास्ट में, रूम के साथ वॉशरूम, उसके बाद चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर पे, 3 बेडरूम की अकोमोडेशन इसके फर्स्ट फ्लोर पे है। ज़बरदस्त ऑप्शन है, सॉलिड कंस्ट्रक्शन है, ओनर मेड हाउस है, सबसे अच्छी बात ओनर मेड हाउस है, ओनर ख़ुद इस घर को यूज़ कर रहे थे। वॉशरूम में खूबसूरत टाइल वर्क आप देख रहे हैं, सिंक कम आउट शावर, सामने एग्जॉस्ट फैन। चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर, घर की प्राइसिंग डिटेल शेयर करता चलूँ, 1,50,00,000 इस घर की आस्किंग डिमांड है, 1,50,00,000 लोकेशन के हिसाब से रिजनेबल डिमांड है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो और ऑगस्ट पे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या फर्दर आपकी क्वेरीज हैं या आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मेंशन है, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये छत की एक्सेस, सामने इसका फर्स्ट बेडरूम, इस रूम के साथ वॉशरूम नहीं है, फ्लोरिंग टाइल्स के साथ
राइट साइड पे वेंटिलेशन विंडो, वेंटिलेशन के लिए ये वेंटिलेशन विंडो, रूम से आगे चलें ये वेंटिलेशन के लिए गैलरी स्पेस, स्पेस आपने देखी थी नीचे वाले रूम से, इसके साथ ही सेकंड बेडरूम। ये दोनों रूम्स बड़े साइज़ के हैं, अटैच्ड बाथ है, कैबिनेट्स रूम में आपको मिल जाएंगी। फ्लोरिंग आप देख रहे हैं टाइल्स के साथ फ्लोरिंग की गई है, ये डबल साइड वेंटिलेशन विंडो है, इस साइड पे कैबिनेट्स, वुड की कैबिनेट्स हैं, सॉलिड वुड की, फुली हाइटेड, अच्छी खासी यहाँ पे आपके पास स्टोरेज स्पेस है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, वीडियो पसंद आती है वीडियो को मस्ट लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड नीथ नहीं आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये सेकेंड बेडरूम के साथ अटैच बाथ, तीनों वाशरूम्स में डिफरेंट कलर की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया, इस वाशरूम में इंडियन सीट का यूज़ किया गया, सिंक सामने, एग्जॉस्ट फैन, इसके साथ ही इसका थर्ड और लास्ट बेडरूम, ये आपकी गैलरी स्पेस है सामने, छोटा सा यहाँ पे आपके पास सिटिंग एरिया। पांच मल्ला के घर में फोर बेडरूम की अकोमोडेशन, एक छोटी फैमिली के लिए इनफ स्पेस है। इसका लास्ट बेडरूम, फ्लोरिंग आप देख रहे हैं टाइल्स के साथ, डीसी फैन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, इस साइड पे पूरी वॉल पे यहाँ पे आपके पास कैबिनेट्स हैं, वुड की कैबिनेट्स, वेंटिलेशन के लिए विंडो, और ये अटैच्ड बाथ। इंटर होते हैं सामने ड्रेसिंग एरिया, ये वॉशरूम इसका रेनोवेट है, रिसेंटली बनाया गया है, लाइट ऑन कर लेते हैं, ये इसका वॉशरूम, सूरत टाइल वर्क आप देखें, सेंट्री का जितना भी सामान है सारा अच्छी कंपनी का इस्तेमाल किया गया है। ये ड्रेसिंग टेबल, इसके साथ ही फ्रंट साइड पे टेरेस स्पेस है, ये आपके पास यहाँ पे छोटा सा सीटिंग एरिया, ये कुछ रैक्स वगैरह हैं यहाँ पे, इस साइड पे शूज़ वगैरह की स्टोरेज के लिए स्टोरेज स्पेस, इस एरिया में फ्लोरिंग आप देखें टाइल्स के साथ ही फ्लोरिंग की गई है, ये ग्रिल जो है स्टेनलेस स्टील की, ये फ्रंट टेरेस, डबल डोर हैं, एक इसका जाली वाला मेटल का डोर और एक इसका वुड का, इस एरिया में भी फ्लोरिंग टाइल्स के साथ की गई है, अच्छी स्पेस है, यहाँ पे शाम को बैठ के आप चाय कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे आपके बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। सराउंडिंग में वेल एजुकेटेड लोग हैं, अच्छी कम्युनिटी है, सिक्योरिटी वाइज कोई मसला नहीं है, सिक्योर्ड एरिया है, फुली सिक्योर्ड एरिया है। अब लास्ट में इसके छत पे चलते हैं, छत में इसका दिखा देता हूँ, और एक बार फिर मैं इस घर की डिमांड आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, 1,50,00,000 इसकी आस्किंग डिमांड है, 1,50,00,000, जो कि नेगोशिएबल भी है और लोकेशन वाइज रिजनेबल डिमांड है। लोकेशन अगर आप में से कोई विज़िट करना चाहता है, नंबर मेंशन है, आप कोई टाइम टाइप करके विज़िट कर सकते हैं इसको, फिर आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया होगा। पांच मल्ला के ब्रांड न्यू घर यहाँ पे जो मिलते हैं अराउंड 2 करोड़ के करीब करीब, और यहाँ पे पांच मल्ला की प्लॉटिंग बहुत कम है, अराउंड 1 कनाल 1.5 कनाल की यहाँ पर ज़्यादातर प्लॉटिंग है। ये गैलरी स्पेस, गीज़र यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, और ये आपका बड़े साइज़ का कंक्रीट का वाटर टैंक। घर की लोकेशन एक बार मैं फिर बताता चलूं, डिफेंस रोड रावलपिंडी में घर लोकेटेड है, ख्वाजा कॉरपोरेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, अस्करी 14 के नज़दीक है, जीटी रोड से हार्डली इस घर को आप 7 से 8 मिनट की ड्राइव में एक्सेस कर सकते हैं,
सदर घर के बिल्कुल नज़दीक है, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको नज़दीक तर मिल जाती हैं। कमर्शियल घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पोटेंशियल लोकेशन है। वीडियो पसंद आती है वीडियो को मस्ट लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।